Hi restaurant owners, मैं हूँ सोहिल बंसल, CEO and co-founder of Easy Restaurant for You, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेस्टोरेंट की डिटेल। रेस्टोरेंट की डिटेल ये स्पेशलाइज्ड सीरीज है जो कि हम 100 एपिसोड्स की शूट करेंगे। इस 100 एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे किसी भी तरह का आपका रेस्टोरेंट, फाइन डाइन, QSR, फूड ट्रक, किसी भी तरह का आप फूड इंडस्ट्री से अगर आप हैं तो कैसे आप अपने बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिटेबल उसको बना सकते हैं, और कैसे जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है जो कि आपको पता ही नहीं हो अभी तक। तो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड वन। इस एपिसोड वन में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं। कस्टमर रिटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस इंडस्ट्री। सो सबसे पहला पॉइंट होता है कस्टमर का डेटाबेस बनाना। कस्टमर का डेटाबेस बनाने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। नॉन टेक्निकल टूल, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल की बात करें तो सबसे पहले आप एक रजिस्टर या कोई विजिटर बुक आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्या स्टार्टिंग में ही फालतू बात शुरू कर रहा हूँ, बट बॉस ये फालतू नहीं है, बहुत काम की है, आपको बहुत इससे प्रॉफिट होगा। आप किसी भी एक विजिटर बुक में कस्टमर का नाम नंबर लें और उसको बाद में पोस्ट एंट्री किसी भी एक एक्सेल फॉर्मेट में सिस्टम में आप वहां पर करें, और बाद में उसको पूरे डेटा को आप कस्टमर को रिटेन करने के लिए किसी भी फॉर्मेट में कैंपेनिंग करें, चाहे SMS करें, चाहे WhatsApp करें, चाहे Facebook पे कुछ भी प्रमोशन करें। तो ये एक तरीका है कस्टमर का डेटाबेस बनाने का। क्यों बाकी सारे बड़े बिग चेन्स, चाहे डोमिनोज हो चाहे मैकडी हो, वो क्यों कस्टमर का डेटाबेस बनाते हैं? आप अगर वहां पर ऑर्डर करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना मोबाइल नंबर बताना ही पड़ेगा। बिना मोबाइल नंबर बताए आप अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। यही पैटर्न आप अपने साइकोलॉजी, सारी चीजें अपने बिजनेस के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए, डेफिनेटली आप भी कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे। कैसे रिटेन करेंगे वो भी हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी कस्टमर का नाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल इस चीज से डरते हैं तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर लेके रख लीजिए। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप विजिटर बुक पे नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल मत जाइए, आप डिजिटल तरीका अपनाइए। आपके पास कोई भी मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, मोबाइल या टैबलेट में आप कोई भी एक फ्री ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या मोबाइल का नोटपैड आप ओपन कर सकते हैं जहां पर आप उसका नाम नंबर लेके रख सकते हैं। आपको वो बहुत ईजी भी हो जाएगा, आपको बाद में पोस्ट एंट्री एक्सेल में भी नहीं करनी पड़ेगी, आप मोबाइल से ही डेटा कनेक्ट करके अपने सिस्टम पे लेके आ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके अंदर कस्टमर की डिटेल्स रखने का ऑप्शन हो, लाइक मोबाइल नंबर, उसका बर्थ डेट, उसका एनिवर्सरी डेट और बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट एक ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होता है, आपको नहीं पता होगा, फेसबुक कैंपेनिंग। फेसबुक कैंपेनिंग के अंदर भी आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके एक्चुअल में कस्टमर्स हैं। जी हाँ, फेसबुक के अंदर एक्सेल के थ्रू मोबाइल नंबर अपलोड हो जाते हैं, ये बात आपको नहीं मालूम है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर्स अपलोड हो जाते हैं और उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा जो आपके कस्टमर्स हैं। सपोज आपको दिखाना है बाय वन पिज्जा एंड गेट वन पिज्जा फ्री वेनसडे ऑफर, तो कस्टमर आपके पास आएगा, ना कि उस दिन वो डोमिनोज के पास जाएगा, क्योंकि उसको आपका पिज्जा पसंद है, सिर्फ वो ऑफर के चक्कर में डोमिनोज के पास जा रहा है। फिर अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी मोबाइल में फेसबुक अपना पेज ओपन करके हर कस्टमर से उसको लाइक करा सकते हैं जो भी आपके यहाँ पर आया है, तो उससे आपके लाइक्स भी बढ़ेंगे पेज के, और बाद में आप उनको कुछ भी अपडेट अपने पेज पे करते हैं तो भी उनको दिखेगा। तो ये भी एक तरीका बहुत इजी है। फिर एक और ऑप्शन होता है, फिफ्थ ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैनेजमेंट। आप कोई भी फीडबैक मैनेजमेंट की ऐप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं या टैबलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से आप कस्टमर के पैटर्न्स को निकाल सकते हैं कि कस्टमर आपके रेस्टोरेंट के बारे में क्या सोचता है, आपका फूड कैसा लगा, क्वालिटी कैसी थी, एम्बियंस कैसा था, और अपना नाम नंबर भी वहां दे सकता है। बेस्ड ऑन कस्टमर इंटरेक्शन, उसकी साइकोलॉजी से आप प्ले कर सकते हैं कि आपको अगर किसी को अगर कोई डिश कभी खराब लगी थी तो आप उसको बाद में SMS कर सकते हैं, उसको स्पेशल ऑफर दे सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर वो विजिट करता है तो उसको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये मैसेज सिर्फ उसी टारगेटेड कस्टमर को जाएगा जिसको कुछ खराब लगा था। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं हमेशा। सो दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम। जैसे कि आपने देखा ही होगा, आप मूवी जाते हैं तो मूवी में क्या होता है, एक आपको पॉपकॉर्न मिलता है 180 का, एक 190 का, एक 220 का।
तो यहाँ क्या होता है, साइकोलॉजी होती है ना कि कौन सा वो पॉपकॉर्न खरीदेगा, वो हमेशा 190 वाला पॉपकॉर्न खरीदेगा क्योंकि वो मीडियम साइज का है ना, तो 180 खरीद रहा है ना वो 220 खरीद रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सेल क्या करना है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने कस्टमर को रिटेन कैसे करना है। सो दिस इज हाउ ऑल अबाउट द कस्टमर रिटेनिंग। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में इन चीजों को परफॉर्म करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कस्टमर को एक्चुअल में रिटेन कर सकते हैं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वन। थैंक यू।